रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लोकसभा निर्वाचन के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, जबकि महिला मतदान केंद्रों पर महिलाएं आज रवाना होंगी। 19 मई को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित 1,764 बूथों पर मतदान होगा। लोकसभा निर्वाचन के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 19 मई को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित 1,764 बूथों पर मतदान होगा। हमीरपुर जिले में 528 मतदान केंद्र, बिलासपुर में 414 जबकि ऊना जिले में 512 मतदान केंद्र हैं, जबकि 23 मई को ईवीएम से मतों की गणना होगी। उधर हमीरपुर डिपो की 81 बसें मतदान पार्टियों को पोलिंग बूथों पर छोड़ने के लिए रवाना हुई, इस कारण कई लोकल रूट रद्द करने पड़े। 19 मई को भी परिवहन निगम की 81 बसें मतदान पार्टियों को पोलिंग बूथों से वापस हमीरपुर स्थित स्ट्रांग रूम तक लाने के लिए तैनात रहेंगी। जानकारी के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हमीरपुर जिला में 1,351 जवानों की तैनाती की गई है। इसके तहत 26 CRPF, 84 कर्नाटक पुलिस, 291 स्टेट फोर्स, 250 जिला पुलिस तथा 640 होमगार्ड व हरियाणा की फोर्स तैनात रहेगी। SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी पोलिंग पार्टीज बनी हैं पोलिंग स्टेशंस के लिए, उनको आज पूरा जो इलेक्शन का मटेरियल है वो पूरा तैयार करके और उनकी बसों में जो डेजिग्नेटेड हैं उसमें उनको उनके उनके पोलिंग स्टेशन पे जो है वो भिजवाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे सेक्टर ऑफिसर्स भी जो हैं वो उनके साथ मूव कर रहे हैं ताकि उनको इंश्योर किया जाए कि वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुँच जाएँ। इस बार का जो हमारी तैयारी रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी समय मिला तैयारियों के लिए, बहुत अच्छी तरह से जो है जो हमारे पोलिंग पर्सनल थे उनकी तीन तीन रिहर्सल जो हैं वो करवाई गई और उनको पूरा ट्रेन करके जो इलेक्शन कमीशन की पूरी गाइडलाइंस हैं डायरेक्शंस हैं वो सारी उनको बड़ी ध्यानपूर्वक जो हैं वो बताई गई हैं। और हमारी यही कोशिश है कि 19 मई को जो हमारा जिस दिन पोलिंग होगी वो बहुत अच्छे तरह से होगी, क्योंकि हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हुई है इस बार। और साथ ही कुछ पार्टीज़ जो हैं हमारे पास जो हैं वो रिज़र्व में भी हैं, ताकि इन दो तीन दिनों में अगर कहीं किसी पोलिंग पार्टी या किसी पोलिंग पर्सनल को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, तो ताकि हमारे पास उसके हिसाब से भी जो है वो रिज़र्व जो है वो स्टाफ भी है और हमारे पास रिज़र्व मशीन्स भी जो हैं वो काफ़ी हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो ताकि उस पर जो है वो उसका समाधान जो है वो इमिडिएटली किया जा सके।